हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस पार्ट सेकंड में जो मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती हैं उनके बारे में, जिसमें हम देखेंगे सेकंड जनरेशन की ISTDs के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि जो इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस में जो नॉन मेडिकेटेड कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है उसके बारे में। जैसे हमने देखा था कि जो ISTDs होती है, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है ISTDs, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है नॉन मेडिकेटेड और दूसरी होती है मेडिकेटेड। तो जो नॉन मेडिकेटेड होती है ISTDs, इसमें किसी भी तरह के कॉपर या फिर हार्मोन्स का यूज नहीं किया जाता है। इसका सीधा उदाहरण था लिपस लूप, क्वायल, रिंग एंड स्पाइरल, जिसके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। आज हम देखेंगे मेडिकेटेड ISTDs के बारे में। तो जो मेडिकेटेड ISTDs होती है ये दो पार्ट में डिवाइड है। जैसे ये होता है, एक होता है सेकेंड जेनरेशन एंड एक होता है थर्ड जेनरेशन। और जो फर्स्ट जनरेशन की ISTDs होती है उसको नॉन मेडिकेटेड ISTDs में रखा गया है। मतलब ये जितने भी आपको दिख रही है नॉन मेडिकेटेड, ये सभी क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन ISTDs है, जिसको हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप ISTDs पार्ट फर्स्ट देखिए, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। तो फिलहाल जो मेडिकेटेड ISTDs होती है, जिसमें सेकेंड जनरेशन ISTDs है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो सेकेंड जनरेशन ISTDs होती है इसको कॉपर कंटेनिंग ISTDs भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर की मात्रा रहती है। जो भी गर्भरोधक डिवाइस बनती है सेकेंड जनरेशन की, उन सब में कॉपर का यूज किया जाता है। और जो थर्ड जनरेशन की डिवाइस बनती है, गर्भरोधक डिवाइस बनती है, उनमें हार्मोन्स का यूज किया जाता है। तो जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस है उसके जो कंटेनिंग थिंग्स है उसी के आधार पे इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि इसमें किसी भी तरह का हार्मोन्स या फिर कोई कॉपर यूज नहीं हो रहा है, तो उसको फर्स्ट जनरेशन में रखा गया। सेकेंड जनरेशन में जो जितनी भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस है उन सब में किसका यूज किया गया, कॉपर का, इसीलिए इसको कॉपर कंटेनिंग डिवाइस भी कहते हैं। और थर्ड जनरेशन में जो डिवाइस बनी वो सभी हार्मोन्स रिलेटेड डिवाइस होती है, उन सब में हार्मोन्स का यूज किया जाता है। सेकेंड जनरेशन ISTDs में जितनी भी डिवाइस बनी होती हैं, वो सभी पॉली इथिलीन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, पॉली इथिलीन की बनी होती हैं। और इनकी जो गर्भरोधक की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए इसमें कॉपर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, इसमें कॉपर का यूज किया जाता है। साथ ही जो कॉपर है ये एक धातु है और इसके अंदर फर्टिलिटी को रोकने की स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी पाई जाती है, इसीलिए जितनी भी डिवाइस होती है सेकेंड जनरेशन की सब में कॉपर का यूज किया जाता है। और जो सेकेंड जनरेशन की ISTDs होती है इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे फर्स्ट है इसमें कॉपर टी, सेकेंड है कॉपर 200 एंड थर्ड है कॉपर टी 220C, फोर्थ है नोवा टी एंड फिफ्थ है कॉपर टी 380A एंड सिक्स है मल्टी लोड कॉपर 250 एंड सेवन्थ है मल्टी लोड कॉपर 375। तो ये टोटल सेवन टाइप के ISTDs होते हैं, कौन से, सेकेंड जनरेशन के, जिसमें कॉपर का यूज किया जाता है गर्भरोधक साधन के रूप में। अब जितने भी यहाँ पे आपको टाइप्स दिख रहे हैं सब में जो कॉपर होता है उसका अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे अगर कॉपर टी की बात करें, कॉपर 200 की बात करें, कॉपर टी 220 की बात करें, तो सब में इनका जो नाम है, इनकी जो यहाँ पे
क्वांटिटी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग सब में कॉपर का अमाउंट अलग अलग होता है। और ये भी होता है कि इसमें जितनी भी डिवाइस हैं सबका टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ डिवाइस होती है जो 3 साल के लिए होती है, 3 साल तक जो फीमेल होती है उसको गर्भोधक साधन के तौर पर वर्क करती है, मतलब उसको प्रेगनेंसी से बचा के रखती है। कुछ ऐसी जो 5 साल तक फीमेल को प्रेगनेंसी से बचा के रखती है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब जैसे नॉर्मल हम कॉपर टी की बात करें तो इसमें जो कॉपर का अमाउंट होता है वो कितना होता है, इसमें कॉपर का अमाउंट बहुत कम होता है। ये एकदम सिंपल सी कॉपर टी होती है। जैसे इसमें जो शेप होता है कॉपर टी का वो टी की तरह था, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉपर टी, मतलब जो टी शेप का डिवाइस हो जिसमें कॉपर लगा हो। तो यहाँ पे जो ये टी शेप का होता है इसमें सिर्फ जो कॉपर का अमाउंट होता है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे कॉपर का वायर लगा होता है और फिर इसके थ्रेड होता है। ये जो थ्रेड होता है ये नायलॉन का बना होता है, नायलॉन का बना होता है। और ये जो कॉपर होती है, कॉपर टी होती है, ये किसकी बनी होती है, ये पॉली इथिलीन की बनी होती है। जो सिंपल कॉपर टी होती है इसको क्वाइल टी भी बोलते हैं। क्वाइल का नाम एक बार जब हम फर्स्ट जनरेशन एचडी पढ़ रहे थे तो उसमें भी आया था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। उसमें सिर्फ क्वाइल था और इसमें क्वाइल टी है। तो क्वाइल टी कहें या फिर कॉपर टी कहें, दोनों का सेप ऐसा ही होता है। उसमें कॉपर का जो अमाउंट होता है वो इतना ही होता है, बहुत कम होता है। अब अगर हम कॉपर 200 की बात करें तो इसमें जो कॉपर वायर होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 200 स्क्वायर होता है। क्या होता है ये कॉपर का सरफेस एरिया होता है। और वायर जो होता है कॉपर वायर सरफेस एरिया, और इसमें जो कॉपर यूज होता है वो कितना होता है, वो यूज होता है 120 mg। मतलब जो ये कॉपर 200 डिवाइस होती है, सेकेंड जनरेशन की इंटरट्रैन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, उसमें जो कॉपर वायर का सरफेस एरिया होता है वो 200 mm² होता है। और जो वायर यूज होता है, जो कॉपर होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो 120 mg होती है। और ये जो डिवाइस होती है ये जो फीमेल होती है उनको 3 साल तक प्रेगनेंसी से बचा के रखती है। मतलब ये 3 साल तक, 3 ईयर्स तक एक गर्भरोधक साधन के रूप में काम करती है। उसके बाद फिर से इसको चेंज कराना रहता है। अब इसका जो शेप होता है कॉपर 200 का, ये कैसा होता है, ये भी टी की तरह होता है, कॉपर टी की तरह ही होता है, ऐसे होता है। लेकिन इसमें जो कॉपर होता है वो यहाँ तो रहता है और इसके साथ ये दोनों तरफ जो इसके आर्म्स निकले होते हैं यहाँ भी रहता है, यहाँ भी कॉपर वायर रहता है और यहाँ पे थ्रेड निकला रहता है। तो ये इस शेप की होती है। और यहाँ पे जो क्वालिटी हमने देखा था इसके शेप की अगर बात करें तो ये भी टी शेप का होता है, बस इसमें ऐसे दोनों तरफ क्वाइल्स रहती हैं और यहाँ थ्रेड निकला रहता है और यहाँ पे कॉपर रहता है, कॉपर वायर लगी रहती है। तो जो कॉपर 200 है इसमें देखिए कॉपर अधिक है और जो सिंपल कॉपर टी है उसमें जो कॉपर है वो कम है। इसमें सिर्फ जो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसी में कॉपर का अमाउंट है, लेकिन इसमें जो स्ट्रेट लाइन है उसमें भी है और जो दोनों तरफ ये इसके आर्म्स जैसा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें भी कॉपर का यूज किया गया है, तो इसमें कॉपर का अमाउंट अधिक है। इसी तरह से जितने भी ये कॉपर टी है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, इसके अलावा और भी बहुत टाइप की कॉपर टी मार्केट्स में अवेलेबल है जिसमें कॉपर का जो अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कॉपर 200 के बारे में। अगर हम कॉपर टी 220C की बात करें तो इसमें भी कॉपर का अमाउंट थोड़ा अधिक होता है, इसलिए इसको कॉपर टी 220 बोला गया। ये 200 है और 220 है। अब अगर नोवा टी की बात करें तो इसका भी शेप टी की तरह ही होता है, टी की तरह ही होता है। इसमें भी ऐसे वायर लगा रहता है और यहाँ पे थ्रेड लगा रहता है। अब ये जो देख रहे हैं कॉपर टी 380, मतलब कि जो इसमें कॉपर का सरफेस एरिया यूज हुआ है वो कितना है, 380 है। अगर इसके हम जो कॉपर वायर का सरफेस एरिया है, कॉपर वायर का जो सरफेस एरिया उसकी बात करें तो कितना है, 380 इसमें जो कॉपर वायर का सरफेस है वो है। और इसका जो शेप होता है वो टी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो वायर का अमाउंट होता है वो अधिक होता है। जैसे हम जो कॉपर 200 थी उसमें हमने देखा कि जो कॉपर होता है वो स्ट्रेट लाइन में रहता है, फिर दोनों तरफ जो आर्म है वहां रहता है, लेकिन इन दोनों में जो अमाउंट होता है कॉपर का वो कम होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें 380 से, 300 में जो कॉपर का अमाउंट होता है वो अधिक होता है। इसमें भी कॉपर यहाँ रहता है स्ट्रेट लाइन पे, ये यहाँ पे थ्रेड रहता है और ये जो कॉपर होता है पूरा आर्म पे ऐसे रहता है, यहाँ पे तो कुछ अमाउंट में है लेकिन यहाँ पूरा रहता है। तो यही बोल रहा है कि जो कॉपर टी 380 है इसमें जो कॉपर वायर का सरफेस एरिया होता है वो 380 होता है, इसी के नाम पे इसको कॉपर टी 380A कहा जा रहा है। अब अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि कितने समय तक एक गर्भरोधक साधन के रूप में काम करता है, तो ये 10 साल तक
एकल रुधक साधन के रूप में काम करता है। कितना साल? 10 साल। अगर किसी फीमेल को लंबे समय तक मतलब कम से कम 10 साल के लिए गर्भ रुधक साधन का यूज करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो कॉपर्टी 380A का यूज कर सकती है। और जो कॉपर्टी 200 है वो कितने साल के लिए? वो 3 साल के लिए है। अब नेक्स्ट जैसे इसमें दिया है मल्टीलोड कॉपर 250, तो इसमें कॉपर सल्फेस एरिया कितना होगा? 250 होगा। कितना? 250 mm² होगा, ये इसका सरफेस एरिया हो गया। अब ये कितने समय के लिए गर्भ रोधक साधन के रूप में काम करती है? तो ये 5 साल के लिए गर्भ रोधक साधन के रूप में काम करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉपर 200 है वो 3 साल के लिए है, जो कॉपर 380 है वो 10 साल के लिए है, और जो मल्टीलोड कॉपर 250 है वो 5 साल के लिए है। अगर हम मल्टीलोड कॉपर 250 की बात करें या फिर 375 की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? तो इसका शेप जो है कुछ इस तरह से होता है, टी की तरह होता है, फिर ये ऐसे झुका रहता है, बेंड रहता है, और यहाँ पे ऐसे निकला रहता है, कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ पे थ्रेड लगे रहते हैं, यहाँ सभी वायर की कवरिंग रहती है। तो ये जो मल्टी लोड कॉपर है इसके नाम से ही पता चल रहा है मल्टी लोड। इसमें कुछ अमाउंट में हार्मोन्स भी रहते हैं, मतलब ये जो सेकेंड जनरेशन की आरसीडी है जिसमें दो हम लास्ट वाली पढ़ रहे हैं सेकेंड 6 and 7, इसमें लिखा है मल्टी लोड कॉपर 250 एंड मल्टी लोड कॉपर 375। इसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट हार्मोन्स का भी रहता है, कॉपर तो रहता ही है, कॉपर के साथ साथ इसमें हार्मोन्स भी रहता है जो गर्भरोधक साधन के रूप में काम करता है। मतलब ये जो डिवाइस होती है ये मल्टी डिवाइस होती है, इसीलिए इनका नाम दिया गया है मल्टी लोड कॉपर 250 मल्टी लोड कॉपर 375। तो आप इसके नाम से भी इसको इजीली याद रख सकते हैं। अगर कॉपर्टी की बात आती है तो सिंपल कॉपर्टी, अगर कॉपर्टी 200 की बात आती है तो इसका मतलब कि उसका जो सरफेस एरिया होगा कॉपर वायर का वो 200 होगा। अगर कॉपर्टी 220 की बात आती है तो इसका मतलब उस डिवाइस में उसमें जो सरफेस एरिया वो 220 mm² है। अगर यहाँ पे मल्टी लोड की बात आती है, मल्टी लोड कॉपर 250 की बात आती है, तो इस जब समझ जाएगी 250 मतलब जो कॉपर वायर है उसका सरफेस एरिया, और मल्टी लोड का मतलब है कि इसमें अधिक मात्रा में एक तो कॉपर रहेगा और दूसरा इसमें हार्मोन्स भी रहता है, इसलिए इसको मल्टी लोडेड बोला जा रहा है। तो अब इसमें लास्ट क्वेश्चन ये बचता है कि जो जितनी भी ये सेकेंड जनरेशन की ICDs हैं कॉपर की हैं वो अपना फंक्शन करती कैसे हैं। तो जितनी भी सेकेंड जनरेशन की डिवाइस हैं इन सब में एक चीज यूज होती है जिसको हम कॉपर बोल रहे हैं, और जो कॉपर होता है ये स्पर्म के लिए और ओवम के लिए दोनों के लिए टॉक्सिक की तरह काम करता है। तो जब इसको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है उसके बाद जो स्पर्म होता है अगर स्पर्म एंटर कर रहा है यूट्रस में तो कॉपर क्या करता है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर वहीं पे रोक के रखता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, एक के पास नहीं पहुंच पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसमें फेलियर होने के चांसेस होते हैं वो 1-2% ही होते हैं, अदरवाइज ये बहुत ही विश्वसनीय होता है और ये बहुत कम्फर्ट भी होता है। अगर कोई भी फीमेल इसका यूज करती है तो पहली बात कि बहुत विश्वसनीय होता है, बहुत सुटेबल होता है, और इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा आयोसिडियस पार्ट सेकंड में सेकंड जनरेशन की आयोसिडियस, अब पार्ट थर्ड में हम देखेंगे थर्ड जनरेशन की आयोसिडियस के बारे में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।